तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस समय बात करेंगे कल का एक बीबीएल का मैच जो खेला जाएगा दोपहर को। आई थिंक 12:35 या 12:45 या 1:35 वैसा खेला जाएगा। टाइमिंग मुझे अभी कंफर्म नहीं है टाइमिंग, पर यह मैच खेला जाएगा सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में मैच खेला जाएगा। तो काफ़ी बड़ा मैच हो सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। आपको यहाँ पे इस वीडियो में एनालाइज करूँगा, प्लेयर के स्टैट दिखाऊंगा। इस मैच में देख लो, यहाँ पे आपको इस मैच में आपको फ्री एंट्री मिलेगा। यहाँ पे 20 टीम लगा के आप आसानी से विन कर सकते हो। अप टू 40 विनर्स तक आपको विनिंग्स होगी। उसके 40 विनर्स के अंदर आ गए तो आपको ₹5 मिलेगा, और उसी विनिंग अमाउंट में यहाँ पे 100% बोनस यूज़ करके आप 100 रियल कैश कमा सकते हो। तो काफ़ी बड़े ऐप गैस, जरूर एक बार ट्राई कर लो। दो तीन आपको यहाँ पे 100% बोनस दिखेगा, और सब आप ज्वाइन करके आप आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। जाके जरूर डाउन करना, काफ़ी बड़े ऐप है इस यहाँ पे। और इस मैच में आपको दिखाऊंगा पहले प्लेयर स्टैट, प्लेयर के स्टैट दिखाऊंगा, प्लेयर के परफॉर्मेंस और क्लास मेरा फाइनल टीम मेरा आपका दिखाऊंगा। तो चलो बस पहले देखते हैं दोनों टीमों कुछ प्लेयर के स्टैट्स, सिक्सर के कुछ पहले प्लेयर के स्टैट्स। तो उसमें पहले आते हैं यहाँ पे जैक्सन बर्ड। पिछले मैच में 8 रन बनाए गए थे, बॉलिंग में पिछले मैच में बुरी तरह पिट गए थे, पर उससे पहले मैच में सब मैच विकेट लेके आ रहा था। तो बंदा अच्छा प्लेयर है, सब मैच विकेट लेके आता है। मुझे लग रहा है इस मैच में विकेट लेके आ सकता है, तो जरूर इनको ट्राई करना। मैं पिछले मैच में छोड़ा था उनको थोड़ा रिस्क लेके, और इस मैच में मैं इनको जरूर पिक करूँगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कोटरिस पैटरसन। प्लेयर बहुत बड़ा है, ओपनिंग करना था, अच्छा खासा बैट्समैन है, हर मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके जा रहा है। पिछले मैच 38 रन बनाया था, उससे पहले 17, 24, 38, तो लगातार लास्ट 4 मैच तो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। और उससे पहले मैच 2 मैच में फ्लॉप हुआ था, पर अच्छा प्लेयर है, देख लो ट्राई करो। अगर पहले बैटिंग करती है तो पिक मत कीजिए, अगर सिडनी सिक्सर्स चेस करते हो जरूर फर्स्ट पिक मैं बोल सकता हूँ। जॉस फिल्पी पिछले मैच 27 बना के आउट हुआ था, उससे पहले 2 रन बनाया था, उससे पहले 55 रन, तो लगातार लास्ट 3 मैच में 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, और 1 मैच में फ्लॉप हो रहा है। एक प्लेयर अच्छा है और विकेट पिक करेगा तो वहाँ पर आपको पॉइंट दे सकता है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे जॉर्डन सिक्स। थोड़ा नीचे बैटिंग करना था, पर प्लेयर बहुत बड़ा है। पिछले मैच 41 रन बना गया था, उससे पहले 15 रन, उससे पहले 19, 13, ऐसा का रिकॉर्ड है। ये भी टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आता है जॉर्डन सिक्स, देख लो पिक करना चाहते हो आप इनको पिक कर सकते हो। हेडन केयर बहुत ही बड़ा प्लेयर है, ये भी पिछले मैच 27 रन बना के 1 विकेट लेके आया था, पर उससे पहले मैच लगातार 4 मैच में 2-2 विकेट लेके आ रहा था। बंदा बहुत अच्छी तरह बॉलिंग करके आता है, विकेट टेकर चाहे तो मुझे लग रहा है इस मैच में विकेट लेके आ सकता है, तो जरूर उनको ट्राई करूँगा मैं भी, और कैप्टन भी ट्राई करूँगा, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करने आता है तो वहाँ पे विकेट लेने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और बैटिंग भी अच्छा खासा करके जाता है। नवीन अलाख पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट लेकर था, लास्ट 2-3 दिन से खेला है मैच, कौन सा भी खेलेगा जरूर पिक करना, अच्छे विकेट टेकर बॉलर है ये भी, और इनको भी जरूर पिक करूँगा अगर ये खेलेगा तो। सी नाबोटो ये भी बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच 14 रन बना के 1 विकेट लेकर आया था, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, तो लगातार लास्ट 4 मैच भी अच्छे परफॉर्मेंस करके आया था, विकेट से विकेट लेके आ रहा है हर मैच में, तो ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट आता है क्रिस जॉर्डन। पिछले मैच में खेले नहीं थे, पर उससे पहले मैच में खेला था, उसमें 2 विकेट लेके आया था, उससे पहले मैच 1 विकेट, उससे पहले 2-3, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। ये भी टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आता है, विकेट टेकर बॉलर है, हर मैच ये भी विकेट लेके आता, तो मुझे लग रहा है इस मैच में खेल सकता है। अगर खेलेगा तो मैं इनको ट्राई करूँगा, अगर नहीं खेलेगा तो मैं इनको ड्रॉप कर दूँगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टॉड मर्फी। 1 मैच खेला था और उसमें 1 विकेट लेके आए थे, उससे पहले 1 विकेट, तो देख लो पिक करना चाहिए तो पिक कर सकते हो, अगर खेलेगा तो एक रिस्की पिक बोल सकता हूँ मैं, आपकी मर्जी, आप पिक करना चाहते हो आप इनको पिक कर सकते हो। मिकी एडवर्स पिछले 2 मैच में 2 विकेट लेके आया था, पर अभी तक ये बीबीएल नहीं खेला है, खेलेगा तो जरूर ट्राई करना, 1-2 विकेट लेके जाएगा। बेन डॉरिस पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट लेके आया था, 4 रन बना के, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 4 विकेट लेके आया था, तो विकेट टेकर बॉलर है, 1-2 विकेट लेके जाता है, पिक करना चाहते हो इनको भी पिक करो, अच्छा विकेट टेकर बॉलर है ये भी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डैनियल क्रिस्टन। पिछले मैच में 11 रन बना के 1 विकेट लेके आया था, उससे पहले 21 रन, पर बॉलिंग नहीं की थी, उससे पहले 7 रन बना के बॉलिंग किया था, पर विकेट नहीं लेके आया था। डैनियल क्रिस्टन भी अच्छे बैट्समैन प्लस बॉलिंग भी करके आता है, तो देखो ट्राई करते हो इनको ग्रैंड लीग में रिस्क लेके आप ट्राई कर सकते हो। स्टीव काफी बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, पिछले 2 मैच में 3 मैच है 1-1 विकेट लेके आ रहा है, उससे पहले मैच है 2 विकेट, अच्छा बॉलर है ये भी, विकेट टेकर बॉलर है, पिक करना चाहते हो अगर खेलेगा तो जरूर पिक करना, 1-2 विकेट लेके जाता है। नितिन नायल अभी तक खेला नहीं, पर ये भी स्पिन बॉलर है, खेलेगा तो जरूर ट्राई करना। डैनियल लगेस पिछले मैच में खेला था, उसमें 17 रन बना के आया था,
उससे पहले मैच है 101 139। अच्छा बैट्समैन है ये भी, अगर इस मैच में कंटिन्यू करेंगे खेलने के लिए तो मैं इनको जरूर पिक करूँगा। तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हो, तो इनको भी ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्लेयर है ये भी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जेम्स मिंस, पिछले मैच में उन्होंने 41 रन बना किया था, उससे पहले 39 रन, उससे पहले 26, उससे पहले 33 रन बना किया था। तो जेम्स मिंस भी एक अच्छे बैट्समैन है, अच्छा खासा बैटिंग करके आता है, वन डाउन बैटिंग करने आता है और प्लेयर बहुत बड़ा है। देखो रिस्क लेकर इनको आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि पिछले 4 मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहा है, मुझे लग रहा है इस मैच में फ्लॉप होके जा सकता है। तो देखो आपकी मर्ज़ी, आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लेके इनको ड्रॉप कर सकते हो। स्टेट्स में तभी तक कुछ मैच खेला नहीं, कोई अभी BPL खेला नहीं, तो पर प्लेयर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है इनका, लास्ट 3 मैच का अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहा है, खेलेगा तो जरूर ट्राई करना। मॉसेस हेनरिक्स कैप्टन है, पिछले मैच 11 रन बना किया था, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 1 रन, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है कैप्टन पारी की, एक ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आया था 52 रन की नॉर्डर पारी, और सब मैच में फ्लॉप ही रहा है। तो देखो ग्रैंड लीग में रिस्क लेके पिक करो, स्मॉल लीग में इनको जरूर ड्रॉप कर सकते हो। तो जैक एडवर्स अभी तक कोई भी मैच खेला नहीं, पर इनका भी रिकॉर्ड मुझे नहीं लग रहा उतना अच्छा नहीं है इनका रिकॉर्ड। और इजराइल नविट प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 2 2 विकेट लेके आया था 3 मैच में। तो अच्छा प्लेयर है ये भी, अच्छे विकेट टेकर बॉलर है, स्पिन बॉलर है, जरूर ट्राई करना स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में। जॉश कन ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, खेले के रिकॉर्ड तो उसमें पहले आते हैं एलेक्स हेल्स, तो मुझे लग रहा है एलेक्स हेल्स पक्का फ्लॉप होगा। तो यहाँ पे आपको वाइस कैप्टन बनाना जरूरी, वाइस कैप्टन बन सकते हो स्मॉल लीग में, जैसे बैरनडॉफ को पिछले मैच 77 रन, उससे पहले 9 रन, 59 68 16, ऐसा इनका रिकॉर्ड है, अच्छे बैट्समैन है भी। अगर आपको रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इनको रिस्क लेकर कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बक्सटर होल्ट अभी तक नहीं खेला, खेलेगा तो जरूर ट्राई करना, ये भी एक अच्छे बैट्समैन है। नैथन मैकएंड्रू पिछले मैच 1 विकेट लेकर था, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 मैच 2 2 विकेट लेकर था, ये भी एक अच्छे बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैथ्यू ग्लेस, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके रहा लास्ट 3 मैच में, और लास्ट 4 मैच में फ्लॉप भी जाता, पहले 4 मैच में फ्लॉप हुआ था और लास्ट 3 मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके रहा है मैथ्यू ग्लेस, और विकेट भी करेगा तो वहाँ पर आपको पॉइंट देगा। टॉबी ग्रे अभी तक कोई मैच खेला नहीं यहाँ पे, ब्लेक का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। गार्डियन संधो मुझे लग रहा है क्यों फ्लॉप हो रहे हैं, बॉलिंग अच्छे करके आ रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, पर उनको ज़्यादा ओवर नहीं दे रहे इसलिए फ्लॉप होके जा रहे हैं। देख लो इस मैच में खेलेगा तो उनको ट्राई करना, अगर नहीं खेलेगा तो ड्रॉप कर सकते हो। जेसन संगा अभी तक उनका इंजरी रिकवर नहीं हुआ है, तो अभी तक कोई मैच नहीं खेला है, आई थिंक अभी कोई मैच नहीं खेल सकता है क्योंकि उनको अभी बहुत इंजरी हो रही, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस मैच में मुझे लग रहा है आउट हो सकता है। उस्मान कादिर पिछले मैच 1 विकेट लेकर था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, और पाकिस्तान में से उसमें 5 विकेट लेकर था, उनके पाकिस्तान के कुछ डोमेस्टिक मैच हुआ था उसमें 5 विकेट लेकर आया था आई थिंक ODI में। तो ये एक अच्छे स्पिन बॉलर है, अच्छे विकेट लेके आ सकता है, ट्राई कर सकते हो। डेविड विली अभी तो कोई मैच खेला नहीं, खेलेगा तो जरूर ट्राई करना, एक बहुत बड़ा इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा खासा करके आता है, तो खेलेगा तो उनको जरूर ट्राई कर सकते हो। ऑलिवर डेविस अच्छा बैटिंग अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है, पिछले मैच 65 रन बना गया था, उससे पहले 69, उससे पहले बैटिंग 90, उससे पहले 42 33। अगर इनको बैटिंग में चांस मिले तो बैटिंग में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके रहे, थोड़ा नीचे बैटिंग करने आता है पर बैटिंग चांस मिले तो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। और नेक्स्ट आता है पे रिली रॉसर, पिछले मैच 18 रन बनाया था, उससे पहले 39 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 43 रन बना के आता, तो अच्छे बैट्समैन है भी, अच्छा खासा बैटिंग करके आता है, 1 डाउन बैटिंग करता है, और एक साउथ अफ्रीका का हार्ड हिटर बैट्समैन है। एलेक्स रॉस ये भी अभी तक कोई मैच आई थिंक पिछले मैच खेला था तो उसमें 14 रन बना गया था, उससे पहले 25 रन, अच्छा बैट्समैन है, थोड़ा नीचे बैटिंग कर रहा था तो उनको ज़्यादा बैटिंग चांस नहीं मिलता। देख लो ग्रैंड में ट्राई करना चाहते हो उनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बैन कटिंग, तो बैन कटिंग 1 मैच में खेला था पिछले मैच में, और उसमें भी 2 विकेट ले गया था 1 रन बना के। तो बैन कटिंग भी एक अच्छे ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा खेलता है, तो इस मैच में खेलेगा तो उनको जरूर ट्राई कर सकती हो। नेक्स्ट आते यहाँ पे जोविल डेविल्स, उनका रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। डैनियल सैम्स बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, पिछले मैच 1 रन बना के 0 विकेट, बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे पिछले मैच में, उससे पहले मैच 36 रन, 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 0 3, ऐसा इनका रिकॉर्ड है, अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा करता है, मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके जा सकता है, तो उनको इसकी वजह से इनको मैं जरूर आज कैप्टन ट्राई करूँगा। ब्रैडन डगेट पिछले मैच में 4 विकेट लेकर था, उससे पहले 3 मैच में फ्लॉप ही रहा था, 1 मैच में विकेट नहीं लेकर था, तो मुझे लग रहा है इस मैच में भी फ्लॉप हो सकता है,
सैम वाइटमैन अभी तक कोई मैच खेला नहीं, तो उनका रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है। क्रिस गेल कैप्टन है, पिछले मैच लेकर उससे पहले एक उससे पहले दो विकेट ले गया था। अच्छे बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है। और नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं फाजिलुल्ला फारूकी आई थिंक रूल्ड आउट हो गए थे, तो ये नहीं खेलेंगे कोई मैच। तनवीर संगा कोई भी मैच अभी तक खेला नहीं यहाँ पे। तो वैसे आप देख लेते हैं कुछ दौड़ के प्लेयर के प्लेयर स्टैट देख लेते हैं। तो आप देख लेते हैं प्लेयर इस स्टैट में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। तो हमें पहले आते हैं अलेक्सिस 13 मैच 360 रन बना के आ रहे हैं, 59 का उनका हाइयर स्कोर है। एलेक्स रॉस 14 मैच 220 रन, बेन कटिंग 9 मैच 128 रन। और नेक्स्ट यहाँ पे डैन सैम्स 18 मैच 182 रन, 50 का हाइयर स्कोर है। डैन लैगिस 6 मैच 141 रन, 54 का हाइयर स्कोर है। और जेसन संगर आई थिंक नहीं खेलेगा। जॉर्ज फिलिपी 4 मैच 133 रन, 64 का हाइयर स्कोर है। के पैटरसन 7 मैच 165 रन, था लास्ट 2-3 मैच में अभी खेला नहीं, खेलेगा जरूर ट्राई करना। मैथ्यू ग्लिक्स 9 मैच 197 रन, 93 का हाइयर स्कोर है। हैंड्रिक्स 4 मैच 88 रन, 76 का हाइयर स्कोर है। और कोई अच्छा प्लेयर नहीं। बॉलिंग में देखते हैं तो बॉलिंग में बेन कटिंग 2 विकेट लेकर आए। बेन डोरिस 4 मैच 8 विकेट, डेकेट 10 मैच 8 विकेट, क्रिस गेल 13 विकेट, जॉर्डन 2 मैच 2 विकेट, डैन सैम्स 18 मैच 29 विकेट्स, गार्डियन संधु 17 मैच 18 विकेट्स, और यहाँ पे जेसन जैक्सन बर्ड भी 5 मैच 5 विकेट, हेडनकर 2 मैच 5 विकेट, सीन ऑबर्टो 4 मैच 5 विकेट लेकर आए, और नैथन मैगटिव 10 मैच में 7 विकेट लेकर आए। तो ये बात प्लेयर इस टाइम में कैसे परफॉर्मेंस करके रहे, अब देख लेते हैं दोनों टीमों के बीच में कोई हेड टू हेड मैच हुआ है कि नहीं देखेंगे। अगर हुआ है तो उसका थोड़ा स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो पिछले साल हुआ था इन दोनों के बीच में, तो उसका थोड़ा स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो पहले सिडनी सिक्सर बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर, उसमें जैक एडवर्ड 2 रन बनाए आउट होता, जॉर्ज फिलिपी 57 रन, डैनियल हैगिस 66 रन, मार्कस मॉसेस हेंड्रिक्स 47 रन पर भी किया था, डैन क्रिस्टन 4 रन, जॉर्डन 6 8 रन बनाया आउट हुआ था, और सीना पटो 6 रन। वही बॉलिंग में गार्डियन सब 1 विकेट ले गया था, डैन सैम्स 2 विकेट, मैकेंड्री 2 विकेट, और कोई बॉलर ने विकेट नहीं लिया था। वही सिडनी टंडर ने सिर्फ 137 रन बनाए थे 9 विकेट खोकर, उसमें मैथ्यू ग्लिक्स 6 रन बनाया था, एलेक्स सेल्स 23 रन, जिस संगा 22 रन, एलेक्स रॉस 0 पर आउट हुआ था, डैन सैम्स 10 रन, ऑलिवर डेविस 1 रन बनाया था, नेक मैंड्रू 1 रन, 50 रन बनाया गया था क्रिस गेल ने, और तनवीर संगर ने 17 रन। बॉलिंग में हेडेंकर ने 1 विकेट ले गया था, बेन डोरिस 2 विकेट, स्टीव कैफी 4 विकेट ले गया था, और मॉसेस हेंड्रिक्स ने 1 विकेट ले गया था। तो जब गाइस प्लेयर्स सब देख ले तो टीम देख लेते, तो मैं ऑलरेडी टीम बना चुका, तो मैं उसको थोड़ा एडिट करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो गाइस एक मेरी स्मॉल टीम है, तो इस टाइम में पहले मैं 3 बैट्समैन के साथ जाऊँगा। पहले आप लूँगा मैं सिडनी टंडर्स के ऑलियर डेविस को, जो कि प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच 0 पर आउट आया था, पर उससे पहले मैच बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आया था, यहाँ पे देखो 45 रन की, उससे पहले भी अच्छा रन बनाया गया था 52 रन की, और उससे पहले एक मैच फ्लॉप हुआ था। प्लेयर अच्छा है, लास्ट 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आया, 2 मैच में फ्लॉप हुआ है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है, तो इसकी वजह से मैं ऑलियर डेविस के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पर लूँगा मैं एलेक्स रॉस को, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच 40 रन बनाया गया था, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 3 रन, उससे पहले 34 रन बनाया गया था, तो एलेक्स रॉस एक अच्छा पिक बन सकते हैं मेरे हिसाब से। आपकी मर्जी है, आप उनके जगह यहाँ पे डेविड वार्नर के साथ जा सकते हो, एक सेफ पिक बन सकता है, पर ये मेरे रिस्की पिक होगा, और यहाँ पे मैं एलेक्स रॉस के साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा मैं कर्टिस पैटरसन को, जो कि प्लेयर पे बहुत बड़ा है, पिछले मैच 43 रन बनाया गया था, उससे पहले 23, उससे पहले 2 रन बनाया था, उससे पहले 38 रन। प्लेयर अच्छा है, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आता है, और मुझे लग रहा है इस मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है, कुछ खास रन बना के आ सकता है, तो मुझे लग रहा है इसकी वजह से यहाँ पे इनको आज पिक करूँ। तो विकेट के हिसाब से यहाँ पे मैं जॉर्ज फिलिप के साथ जाऊँगा, और मुझे लग रहा है यहाँ पे मैथ्यू ग्लिक्स आज फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि पिछले मैच में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आता है। जॉर्ज फिलिप पिछले मैच 1 रन बनाया गया था, उससे पहले 54 रन, उससे पहले 6 रन, उससे पहले 10 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है, हर मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आता था, पर पिछले मैच से फ्लॉप हुआ है, और मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं जॉर्ज फिलिप के साथ जाऊँगा। तो ऑर्डर पे मैं 3 ऑर्डर के साथ जाऊँगा, पहले यहाँ पे लूँगा मैं सीन ऑबर्टो को, जो कि बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच 1 विकेट लेकर था, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले भी 3 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, लगातार 3 मैच 3-3 विकेट लेके आता, और एक मैच में एक पिछले मैच में 1 विकेट, मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छे विकेट लेके आ सकता है, और इसकी वजह से यहाँ पे मैं सीन ऑबर्टो को मस्ट पिक करूँगा। हेडनकर ये भी अच्छा है, इनका देखो पिछले मैच में उन्होंने 6 डॉट बॉल किया था, पर विकेट नहीं लिया था, उससे पहले 2 विकेट लिया था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले एक मैच फ्लॉप हुआ था। प्लेयर अच्छा है, विकेट टेकर बहुत है, और मुझे लग रहा है इस मैच में एक
या 2 विकेट लेके आ सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा मैं डैनियल सैम्स को। डैनियल सैम भी अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर भी, प्लस बैट्समैन भी। पिछले मैच 1 विकेट लेके आता, उससे पहले 9 रन बना के 4 विकेट, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 5 रन। तो 3 दो मैच में फ्लॉप हो गया, 1 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके रहा। 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा। मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं, तो इसके वजह से मैं डैनियल सैम्स के साथ जाऊँगा। तो ये मेरे 3 ऑलराउंडर रहेंगे। तो बॉलिंग में यहाँ पे 4 बॉलर के साथ जाऊँगा। पहले यहाँ पे लूँगा मैं क्रिस गेल को, कैप्टन है सिडनी थंडर्स के। पिछले मैच में 2 विकेट ले गया था, 1 कैच 1 रन आउट भी गया था। उससे पहले 21 रन पर विकेट नहीं आया था, उससे पहले 1 रन और उससे पहले 2 रन, 2 विकेट लेके आया था। विकेट टेकर बहुत है, हर मैच अच्छा खासा विकेट लेके आता है। मुझे लग रहा है इस मैच में 1 या 2 विकेट लेके आ सकता है, तो इसकी वजह से मैं क्रिस गेल के साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा मैं नथन मैकेंड्री को, जो कि बहुत बड़ा बॉलर है। ये भी हर मैच विकेट लेके आता है। पिछले मैच में 1 विकेट लेके आता, उससे पहले 1 मैच में फ्लॉप होता, उससे पहले 21 रन बनाया कि 1 विकेट, उससे पहले 9 रन और उससे पहले भी अच्छा विकेट लेके आता। प्लेयर अच्छा है, हर मैच अच्छा विकेट लेके आता है। मुझे लग रहा है इस मैच 1 या 2 विकेट लेके आ सकता है, तो इसके बाद यहाँ पर मैं इनके साथ जाऊँगा, नथन मैकेंड्री को। नेक्स्ट यहाँ पर लूँगा मैं बेन डोरिस को। बेन डोरिस भी एक अच्छे बॉलर है, ये भी हर मैच विकेट लेके आता है। पिछले मैच 3 विकेट लेके आता, उससे पहले 8 रन, विकेट नहीं लेता, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 4 रन, 1 विकेट और उससे पहले भी 2 विकेट लेके आता। प्लेयर अच्छा है, हर मैच 1 विकेट लेके आता है और पिछले मैच भी अच्छा विकेट लेके आता। देख लो उनको ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो, फ्लॉप हो सकते हैं, पर स्मॉल लीग है, रिस्क नहीं लेना ज़्यादा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे बेन डोरिस के साथ जाऊँगा। और लास्ट यहाँ पे मेरा रहेगा टॉम मॉफी, जो कि पिछले मैच 3 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 1 मिडल ओवर किया था, उससे पहले भी 1 विकेट, उससे पहले भी 1 विकेट। तो लगातार हर मैच 1 विकेट लेके आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कंसिस्टेंट विकेट लेके आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में भी विकेट लेके आ सकते हैं। तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन बात करें तो हमें मेरा कैप्टन रहेगा सी नाबोटो को, मैं कैप्टन बनाऊंगा। वाइस कैप्टन बनाऊंगा मैं हेडन कर को। दोनों ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊँ और दोनों विकेट लेके आए और रन बना के आए तो अच्छा खासा आपको विनिंग हो सकती है। तो अगर अभी के लिए स्मॉल टीम रहेगी और यहाँ पे फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री जरूर ज्वाइन करें गाइस, फ्री है, सब कुछ फ्री है। फ्री में ज्वाइन करके आप आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे गाइस, जरूर एक बार ट्राई कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।